टेस्टोस्टेरोन तथा सेक्स हार्मोन और हार्ट डिसीज, दिल की बीमारी, हृदय की बीमारी, इसका क्या संबंध है, इसके बारे में काफ़ी सारी स्टडीज आते जाते रहती है। उसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त न्यू महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। टेस्टोस्टेरोन यह मेल सेक्स हार्मोन है। इसका प्रोडक्शन जो है बॉडी में वो चालू हो जाता है 12, 13, 14 साल की उम्र में लड़कों में, और जैसे उसका सिक्रीशन चालू हो जाता है तो वैसे ही डीप वॉइस, आवाज़ मोटा होना, दाढ़ी मूछ आना, कांख में, जांग में बाल आना, फिर RBCs जो है मतलब लाल पेशियां जो है खून की वो बढ़ाता है, बोन्स जो है अपनी हड्डियां, तो उसमें बोन मैरो जो है उसके ऊपर असर करता है तो हड्डियां काफ़ी मजबूत होती है, मसल मास जो है पेशियां, मांस पेशियां वो मोटी होती है, और स्पेशली सेक्सुअल डिज़ायर में उसका फ़ायदा होता है, सेक्स डिज़ायर में या सेक्स ड्राइव में। फर्टिलिटी मतलब बच्चे पैदा करना है तो, क्योंकि उसका बहुत बड़ा हिस्सा स्पर्म प्रोडक्शन में है टेस्टोस्टेरोन का, तो ये सब फायदे टेस्टोस्टेरोन के हैं। पहले ऐसी कुछ स्टडीज थी कि भाई जब एथलीट्स जो है, एथलीट्स, जिमनास्ट, खिलाड़ी, वो उनका परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए स्टीरोइड्स और टेस्टोस्टेरोन लेते हैं, और स्टडीज़ में ऐसा पाया गया है कि उनको जल्दी ही हार्ट की बीमारी हो जाती है। मतलब बहुत लोगों को हार्ट की बीमारी, हृदय की बीमारी, स्ट्रोक मतलब पैरालिसिस की बीमारी, या ब्लड प्रेशर की बीमारी, ऐसी काफ़ी बीमारियां उनको दिखने लगी। तो ऐसा एक निष्कर्ष आया था कि भाई ये जो टेस्टोस्टेरोन है वो यदि आप ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो उसका हार्ट के ऊपर और ब्रेन के ऊपर बुरा असर होता है। मगर बाकी बहुत सारी स्टडीज और भी आ गई, उसमें ऐसा बताया गया कि कुछ भी फ़र्क नहीं है, टेस्टोस्टेरोन कम रहा तो भी फ़र्क नहीं, ज़्यादा रहा तो भी फ़र्क नहीं, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क हार्ट के ऊपर टेस्टोस्टेरोन करता नहीं है। टेस्टोस्टेरोन थेरेपी आप जब लेते हैं तो उसका हार्ट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं है, ऐसी भी स्टडीज़ कुछ दिखाई दे रही है। टेस्टोस्टेरोन जब ज़्यादा लेते हैं तो हाँ डेफिनेटली उसका असर प्रोस्टेट के ऊपर होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ना, उसके सेल्स ज़्यादा जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं, और प्रोस्टेट बड़ा होने में और प्रोस्टेट का कैंसर होने में का मतलब अच्छा खासा प्रभाव पड़ सकता है टेस्टोस्टेरोन का। बाकी अदरवाइज ब्लड प्रेशर और हार्ट डिसीज़, इसमें टेस्टोस्टेरोन का बहुत ज़्यादा असर पड़ता नहीं है। एक्चुअली इरेक्शन का यदि प्रॉब्लम है तो डायबिटीज़ की वजह से ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये जो है ना, और स्मोकिंग, ओबेसिटी, तो ये ज़्यादा प्रभाव डालती है बजाय टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन का कोई ज़्यादा ये नहीं है, महत्व नहीं है, और हार्ट डिसीज़ में दोनों बाजू है, इसके ऊपर रिसर्च करना ज़रूरी है कि भाई टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा है या कम है, उससे हार्ट का प्रॉब्लम होगा या नहीं होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो ये लोगों को शेयर करो, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा इसके बारे में चर्चा करते रहते हैं कि टेस्टोस्टेरोन ने बाहर से लिया तो अटैक आ जाएगा क्या, क्योंकि पहली स्टडीज ऐसी थी कि टेस्टोस्टेरोन लिया तो अटैक आ जाएगा, पहली स्टडीज ऐसी थी कि ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, स्ट्रोक आएगा, पैरालिसिस आएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, आप टेस्टोस्टेरोन ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करो, लाइक करो, थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप, एक कोर्स बनाया हुआ है, वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।